हमारे स्टूडियोज में इस समय भारत के बहुत ही सुप्रसिद्ध कलाकार विनोद खन्ना जी हैं। विनोद जी, हमारे स्टूडियोज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सुषमा जी। आप फ्लाइट से आए हैं लेकिन फिर भी आप थके हुए नहीं लग रहे। नहीं, थके तो हुए हैं क्योंकि कल रात ही हम वहाँ सैन फ्रांसिस्को में थे जी, और एलए में कल जी, और परसों सैन फ्रांसिस्को में थे और वहाँ शो किया। कल रात थिएटर में 12 बज गए थे क्योंकि इतना क्राउड था वहाँ कि उन्होंने जाने नहीं दिया हमें बाहर। आपको कौन जाने देगा, आप तो इस समय भारत के हार्ट थ्रॉब हैं। थैंक यू। ये बताइए, आज शाम को यहाँ वैंकूवर में जो शो हो रहा है उसके लिए आप एक्साइटेड हैं कि नहीं? हाँ हाँ, बहुत एक्साइटेड हूँ। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम कमिंग टू वैंकूवर एंड आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट एंड आई हर्ड सो मच दैट वैंकूवर इज सच अ ब्यूटीफुल सिटी एंड व्हाटएवर आई हैव सीन ऑफ इट सो फार इज लवली, एब्सोल्युटली। आप एयरपोर्ट से जब आ रहे थे तो हमारे खूबसूरत हरे भरे शहर को आपने देखा। हाँ जी। आपको इतना यकीन दिला दें कि यहाँ के लोग भी बहुत हरे भरे हैं और बहुत प्यार करने वाले हैं। यकीनन, आई एम श्योर। और चूंकि आप पंजाबी हैं तो आपको ज्यादा ही प्यार करेंगे। हाँ जी, मैं सुना बहुत पंजाबी थे गे। सारे ही पंजाबी हैं। विनोद जी, आपके अपने शोज में तो खैर जो होगा वो आप यकीनन धमाके के साथ करेंगे, लेकिन एज अ फिल्म स्टार स्टेज पे आपका क्या किरदार रहेगा? क्या है कि पहली बार मैं परफॉर्म कर रहा हूँ स्टेज पे और मैं भी बहुत नर्वस था शुरू में जब मैंने ये डिसाइड किया कि स्टेज में मैं परफॉर्म करूँ। फिर जब मैंने पहला शो किया लंदन में, उसके बाद मुझे बहुत ही कॉन्फिडेंस हो गया और बहुत ही अच्छा शो गया वहाँ। और जो मैं करता हूँ वो कुछ गाना बजाना है कुछ। अच्छा। हाँ जी, और कुछ आइटम्स हैं मेरे जो मैं परफॉर्म करता हूँ, तो मेरा ख्याल उनको सरप्राइज ही रखें तो अच्छा है। जब तक अभी से कह दूंगा तो मज़ा निकल जाएगा। That's a good idea. तो विनोद जी, वैंकूवर के निवासी और रिमझिम के सभी कर्मचारी आपको हार्दिक बधाई देना चाहते हैं आपकी शादी की। थैंक यू वेरी मच। तो ये बताएं कि आपकी धर्मपत्नी आपके साथ आई हैं? जी हाँ, मेरे साथ ही हैं। अच्छा, तो आज के प्रोग्राम में खूब हंगामा होगा स्टेज में? जरूर होगा जी। शुक्रिया। That is what we've come here for. विनोद जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ आप इस समय बहुत जल्दी में हैं, आप जाना चाहते हैं तैयार होकर ताकि यहाँ के लोगों का दिल जीते। ये बताइए कि एक ज़माना था आप भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ के अमेरिका आ गए थे और यहाँ पे आपने बहुत कुछ किया, यहाँ पे आपने माली का भी काम किया, फिर उसके बाद दोबारा जब आप फिल्म इंडस्ट्री में आए तो बहुत कम आर्टिस्टों को ऐसा मौका मिलता है कि उन्हें सेकंड लीज ऑफ लाइफ मिले जी। आप उनमें से एक कलाकार हैं, कैसा महसूस करते हैं आप? नहीं, मेरे लिए भी एक बहुत ये सरप्राइज़ की बात थी कि मैं इतने सालों बाद फिर वापस आया और मेरा वैसा ही स्वागत हुआ जिस तरह उन दिनों में हुआ करता था जी। जब मेरी पहली फिल्म इंसाफ रिलीज़ हुई थी तो मैं खुद हैरान हो गया कितने लोग थिएटर के बाहर आए हुए थे, इतने लोग। और फिर प्रोड्यूसर्स को एक कॉन्फिडेंस हो गया कि हाँ भाई, इसकी तो अभी तक ऑडियंस है जी। तो बहुत सी फिल्में साइन कर ली उसके बाद मैंने फिर से। ये बताइए कि आपकी आने वाली फिल्में वैंकूवर में जो लोग देखेंगे उनमें से जल्दी बहुत जल्द रिलीज़ होने वाली फिल्में कौन सी हैं? अब रिलीज़ हुई थी बम्बई जब मैं वहाँ से निकला था तो मुकद्दर का बादशाह, उसके बाद जुर्म होने वाली रिलीज़ वो कुछ, और गरजना एक फिल्म है और पत्थर के इंसान। आप फिल्मों में अभी भी आपकी फिल्मों में मारामारी है कि प्यार और मोहब्बत की कुछ बातें, क्योंकि आपकी शादी अब हो गई है दोबारा आप शायद प्यार मोहब्बत की बातों में ज़्यादा फिल्मों में हिस्सा लें? नहीं, क्या सबका एक इमेज होता है और मेरा इमेज ऐसा है कि मारामारी के साथ तो मैं बहुत ही लाइक करते हैं लोग। और उसके अलावा लव एंगल वगैरह तो होता ही है हर फिल्म में, लेकिन मारपीट झगड़ा। लेकिन प्योरली लव स्टोरी जब चांदनी की थी ना जी, हाँ चांदनी वॉज अ लव स्टोरी प्योरली, कोई मारामारी नहीं थी। विनोद जी, मैं आपको और आपकी धर्मपत्नी दोनों को, कविता जी को, आपकी शादी की एक बार फिर से मुबारकबाद देती हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप दोनों की जोड़ी रहती दुनिया तक सलामत रहे और आपका ये आज का शो है बहुत कामयाब रहे। थैंक यू सुषमा जी, थैंक यू सो मच। नाइस टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू।